हेलो दोस्तों, तो आप सभी का अपने YouTube चैनल देवप्रीत पर मैं स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो फोटो है आपका, जो थंबनेल पे आप कोई भी फोटो लगाते हो उस पर हम लोग स्टॉक जो लगाते हैं उस स्टॉक को कैसे लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप साइड में देख रहे हो, ये जो फोटो है इस पर स्टॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको मोबाइल लेता हूं अपना मोबाइल, उसके बाद मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, सिंपली आपको जब भी आप फोटो पे स्टॉक लगाना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि जो फोटो का जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को आपको क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा फुल्ली तरीके से, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, देख सकते हो हमारा जो ये फोटो है जो आपको दिख रहा है, इसका जो बैकग्राउंड है ये पर्दा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हटाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको क्रोम ब्राउजर पे, ठीक है। जैसे ही मैं क्रोम ब्राउजर पे पहुंचा, यहाँ पे आपको लिखना है बीजी रिमूव। चलिए, यहाँ जैसे देख सकते हो यहाँ पे बीजी रिमूव का, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिमूव इमेज बैकग्राउंड। तो आपको क्या करना, सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना दोस्तों, सिंपली ये अपलोड इमेज पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अपलोड इमेज पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो देख सकते हो हमको इस फोटो का क्या करना है, बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो उसके बाद हमको डन कर देंगे। जैसे ही हमने डन किया यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड इस तरह का, ये क्या लेता है, टाइम लेता है। मतलब मतलब जितना आपका नेट है, नेट के इंटरनेट के अकॉर्डिंग ये मतलब वर्क करता है। जैसे कि मेरा अभी 132 kbps चल रहा है, तो ये कुछ देर में हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो है ये फोटो पूरा ट्रांसपेरेंसी हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आप ऊपर में, ठीक है। तो अब इस फोटो को क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको फिर से अगेन डाउनलोड कर देना है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है, मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओपन किया, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा जो फोटो है उसका बैकग्राउंड क्या हो चुका है, पूरा रिमूव हो चुका है। इस फोटो का कोई भी बैकग्राउंड अभी नहीं है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम लोग जाएंगे पिक्सल लैब पे। चाहे आपके पास पिक्सल लैब हो, चाहे काइन मास्टर हो, आप जहां आप एडिट करना ज्यादा अच्छा लगता है अब वहां जा सकते हो। मैं पिक्सल लैब यूज करता हूं, तो मैं पिक्सल लैब पे जाऊंगा। जैसे ही मैं पिक्सल लैब खोला, उसके बाद यहां पे 3 डॉट पे जाना है और यहां पे इमेज साइज को सेलेक्ट करके यूट्यूब चैनल बैनर ले लेना और ओके कर देना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, अब सिंपली जिस फोटो को हमने बैकग्राउंड को मतलब कि रिमूव कर दिया था पूरा फुल्ली तरीके से, उस फोटो को लेके आएंगे। तो प्लस के आइकन पे क्लिक किया, उसके बाद फ्रॉम गैलरी। जैसे ही मैं गैलरी पे क्लिक किया तो देख सकते हो ये जो फोटो है हमारा ब्लैक कलर का, यही था। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको क्या करो, क्रॉप कर दो, ठीक है। इसको क्रॉप कर दिया, उसके बाद ओके कर दिया। अब फिर आपको कर दो यहाँ पे एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारा फोटो आ चुका है। अब बारी है स्टॉक लगाने का। तो सिंपली यहाँ पे जो ये जो हेक्सागन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोस्तों पहले फोटो पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही फोटो पे क्लिक करोगे, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है स्टॉक का ऑप्शन आ जाएगा। स्टॉक STROKE स्टॉक का ऑप्शन आया, यहाँ पे स्टॉक को इनेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका विड्थ कितना चाहिए, मोटा मतलब मोटा आपको कितना चाहिए स्टॉक, अब इस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो जितना मन चाहे उतना, ठीक है। उसके बाद ओके कर दो, ठीक है। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये रेड कलर लेना है तो रेड ले लो, ब्लैक करना है तो ब्लैक ले लो, और डिफरेंट डिफरेंट कलर का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ पे व्हाइट रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके कर दो। उसके बाद इधर देख सकते हो आप क्या है दोस्तों, यहाँ पे शेडो का ऑप्शन दिया हुआ है। शेडो मतलब क्या होता है, छाया। अब उसको इनेबल कर दो, ठीक है। आप जो कलर का देना चाहते हो, तो रेड कलर का देना चाहते हो तो देखो रेड कलर का आ गया है। फिर इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हो, आपको कितना देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो आप अपने हिसाब से क्या करना उसको सेट करना है, ठीक है। उसके बाद अब एक इनर शेडो भी दे सकते हो, यहाँ पे देखो इनर शेडो का ऑप्शन है, अब इनर शेडो भी दे सकते हो। इस पर मैंने क्लिक किया और इसको भी इनेबल मैंने कर दिया, और यहाँ से इसको रेड दे दो, देख सकते हो आपको कितना अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको भी पसंद आ रहा होगा। यदि आप ब्लैक करना चाहते हो तो ब्लैक भी कर सकते हो, यदि आपको मतलब ट्रांसपेरेंसी रखना है, कुछ नहीं रखना, तो आप ये वाला क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि देख सकते हो आपका जो थंबनेल पे जो लगा फोटो है उस पे क्या लग गया है, स्ट्रोक लग चुका है। अब उसी तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखो, क्या कि वीडियो पर फोटो पर PHOTO फोटो
पर स्ट्रोक STRO स्ट्रोक कैसे लगाएं, ठीक है। उसके बाद ओके कर दो और यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको आप एडजस्ट कर देते हैं पहले हम, आप देख सकते हो। इसका आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, हर कुछ कर सकते हो दोस्तों। इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई फॉन्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, आपको फॉन्ट के ऑप्शन पे, फॉन्ट का ऑप्शन है, फॉन्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और कोई भी फॉन्ट आपको ले लेना है। जैसे कि देख सकते हो मैंने ये फॉन्ट ले लिया और इसको पहले मैं लॉक कर देता हूँ, यहाँ पे जाना है, उसके बाद इस फोटो को लॉक कर दो। अब क्या होगा दोस्तों, ये फोटो हिलेगा नहीं, ये फोटो हिलेगा नहीं आपका, ठीक है। तो ये फोटो आपका सिर्फ हिलेगा, तो इसको थोड़ा आप जूम कर दो और यहाँ पे आप स्ट्रोक लगाना चाहते हो फिर से आप स्ट्रोक यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक लगा सकते हो, देख लो, ठीक है दोस्तों। फिर शेडो भी लगा सकते हो, शेडो आप रेड कलर का लगा सकते हो तो रेड कलर का लगा सकते हो, देख लो। ब्लैक कलर का लगाना है, व्हाइट कलर का लगाना है, जो कलर का आपको चाहिए वो कलर का क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप स्ट्रोक लगा सकते हो दोस्तों। तो देख सकते हो हमारा जो थंबनेल है देखने में कुछ थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो उसी तरह से आप मतलब कि प्लान कर करके कि आपको कैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, उस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस थंबनेल को बना सकते हो। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।